तो भाई ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप लोगों में से काफ़ी सारे बंदों को मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई बेस्ट जिगलिंग के लिए, फास्ट मूवमेंट के लिए हमें जॉयस्टिक की साइज़ क्या रखनी चाहिए और जॉयस्टिक का बेस्ट प्लेसमेंट कैसे करना है। मतलब बेसिकली हमें अपनी जॉयस्टिक रखनी कहाँ पर है। और भाई ऐसे ही आपकी जॉयस्टिक से रिलेटेड जितने भी सवाल है, आप लोगों के जॉयस्टिक से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ है, वो सभी मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। और हाँ गाइस, अगर आप लोगों को इस वीडियो से रिलेटेड या फिर मेरे प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जितने भी कमेंट्स आने वाले हैं, मैं सभी कमेंट्स का एक एक करके रिप्लाई करने वाला हूँ। तो भाई जो भी पूछना है आप लोग पूछ सकते हो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को जॉयस्टिक प्लेसमेंट के बारे में बता देता हूँ। तो भाई अगर तुम फर्स्ट कंट्रोल लेआउट यूज़ करते हो ना, तो भाई इसमें अगर आप लोगों की जॉयस्टिक लेफ्ट साइड में है तो आपका जो भी लेफ्ट का एरिया स्क्रीन के, वो पूरा का पूरा भाई आपके मूवमेंट के लिए हो जाएगा। और जो भी एरिया राइट साइड का है आपका पूरा का पूरा वो एम के लिए हो जाएगा। और फर्स्ट कंट्रोल लेआउट में बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि आपने अपने जॉयस्टिक को कहाँ पर रखा हुआ है। जहाँ पर आप अपने थंब को रखोगे जॉयस्टिक वहीं पर आ जाएगी और आप वहीं से अपने जॉयस्टिक को कंट्रोल कर पाओगे। अब गाइस मैं आप लोगों को एग्जांपल से समझा देता हूँ। मैंने अपनी जॉयस्टिक को राइट में रखा हुआ है, पर जब मैं लेफ्ट में टच कर रहा हूँ ना अपने स्क्रीन को, तो मेरी जॉयस्टिक ऑटोमेटिकली वहीं से काम कर रही है। और गाइस अगर आप अपने लेफ्ट के स्क्रीन में कहीं भी टच करते हो ना, तो आपकी मूवमेंट एकदम परफेक्ट होने वाली है। और यहाँ पर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ने वाला है कि आपने अपने जॉयस्टिक को कहाँ पर लगाया हुआ है। चाहे आप अपने जॉयस्टिक को ऊपर लगाएं या फिर नीचे लगाएं या फिर लेफ्ट राइट लगाएं, कहीं भी लगाएं, लेकिन आपका जॉयस्टिक एकदम परफेक्ट काम करने वाला है। आप जहाँ पर भी अपने स्क्रीन को टच करोगे आपकी जॉयस्टिक वहीं से काम करने लग जाएगी। अब वहीं पर जब आप अपने जॉयस्टिक को राइट साइड में ले आओगे, तब क्या होगा कि आपकी जो भी लेफ्ट का एरिया है वो एम के लिए हो जाएगा और जो आपका राइट साइड का एरिया है वो पूरा जॉयस्टिक के लिए हो जाएगा। सो गाइस अब हम बात कर लेते हैं थर्ड कंट्रोल लेआउट की। सो गाइस अगर आप लोग थर्ड कंट्रोल लेआउट में खेलते हो तो आपकी यहाँ पे पूरी स्क्रीन एम के लिए होती है, बस आपका जो जॉयस्टिक वाला पार्ट होता है ये होता है आपके मूवमेंट के लिए। मतलब कि अगर आप जॉयस्टिक के लेफ्ट या राइट में गलती से टच कर देते हो तो भाई वहाँ पर आपका कैरेक्टर मूव नहीं करेगा, उल्टा आपका एम खराब हो जाएगा। सो गाइस अगर आप थर्ड कंट्रोल लेआउट में खेलते हो तो यहाँ पर आपका जॉयस्टिक का सही प्लेसमेंट होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर सवाल तो यह है ना कि भाई हमें जॉयस्टिक की प्लेसमेंट ढूंढनी कैसे है, हमें पता कैसे चलेगा कि हमें अपनी जॉयस्टिक रखनी कहाँ पर है। तो भाई अपने लिए परफेक्ट जॉयस्टिक प्लेसमेंट ढूंढने के लिए आपको अपने थंब को स्क्रीन पर रखना है और आपका थंब जहाँ पर भी नेचुरली रेस्ट करता है तो आपको अपने जॉयस्टिक के सेंटर को वहीं पर रख देना है। और भाई ये जो भी प्लेस है ना जहाँ पर आपका थंब नेचुरली रेस्ट करता है, जहाँ पर आपका थंब बार बार जाता है, वही प्लेस आपके लिए परफेक्ट जॉयस्टिक प्लेसमेंट होने वाला है। ओके गाइस तो अब हम बात करेंगे कि हमें अपने जॉयस्टिक का साइज कितना रखना है और क्या गेम प्ले करते समय साइज मैटर करता है। क्या क्या कहना कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप, मतलब जॉयस्टिक का? मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। तो भाई देखो, काफी सारे बंदों को ऐसा लगता है कि छोटी जॉयस्टिक की साइज रखने से उनका मूवमेंट फास्ट हो जाएगा और बड़े जॉयस्टिक का साइज रखने से उनका मूवमेंट एक्यूरेट हो जाएगा। बट गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों के जॉयस्टिक के साइज से आप लोगों के स्पीड पे बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब गाइस मैं आप लोगों को साइड बाय साइड कंपैरिजन दिखा देता हूँ। सो गाइस जैसा कि अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मैंने लेफ्ट साइड का जो जॉयस्टिक की साइज है उसको 50 रखा हुआ है और जो राइट साइड की जॉयस्टिक की साइज है उसको पूरा 250 कर दिया है। एंड गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मूवमेंट स्पीड दोनों में ही बराबर है। मतलब कि जॉयस्टिक साइज आप चाहे कुछ भी रखो, आपकी मूवमेंट स्पीड वही रहने वाली है। तो क्या जॉयस्टिक साइज बिल्कुल भी मैटर नहीं करता? तो वेल इसका आंसर हाँ भी है और ना भी है। अब गाइस अगर आप फर्स्ट कंट्रोल लेआउट में खेलते हो तो वहाँ पर आपके जॉयस्टिक के साइज से आपके गेम प्ले में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। और गाइस अगर आप लोगों को लगता है कि जॉयस्टिक का साइज मैटर करता है तो आप लोग अपनी जॉयस्टिक का साइज एक बार पूरा फुल कर लेना और उसकी ट्रांसपेरेंसी पूरा जीरो कर लेना और फिर TDM मैच लगा लेना। और गाइस फिर दोबारा से आप लोग अपनी जॉयस्टिक का साइज छोटा कर लेना और दोबारा से फिर से एक बार TDM मैच लगा लेना।
और गाइस आप लोग नोटिस करोगे कि कोई भी डिफरेंस नहीं है वहाँ पर, लेकिन अगर आप थर्ड कंट्रोल लेआउट में गेम प्ले करते हो तो आपको वहाँ पर अपने जॉयस्टिक की साइज बड़ी ही रखनी है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अगर आप पैनिक सिचुएशन में अगर जॉयस्टिक के बाहर कहीं पर टच करते हो तो आपका कैरेक्टर बिल्कुल भी मूव ही नहीं करेगा। अब गाइस आपने बहुत सारे कॉम्पिटेटिव प्लेयर्स को देखा होगा जो कि अपने जॉयस्टिक का साइज बड़ा ही रखते हैं, और वो इसीलिए बड़ा रखते हैं क्योंकि वो थर्ड कंट्रोल लेआउट यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर आप थर्ड कंट्रोल लेआउट में अगर जॉयस्टिक की साइज छोटी रखते हो तो वहाँ पर आपके मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और कॉम्पिटेटिव में अगर आप छोटी सी मिस्टेक भी करते हो ना तो वो आपके पूरी टीम के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। और भाई अब मैं आप लोगों का डाउट फिर से एक बार क्लियर कर दूं कि आप अपने जॉयस्टिक की साइज चाहे बड़ी रखें या फिर छोटी रखें, दोनों ही केसेस में आपके बंदे की स्पीड सेम ही रहने वाली है। और भाई मेरे पास आप लोगों में से बहुत सारे बंदों के कमेंट्स आते हैं कि भाई हमारी जॉयस्टिक ना उतनी ज़्यादा स्मूथ वर्क नहीं करती है, हमारी मूवमेंट स्टक हो जाती है। तो देखो भाई उसके ना बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं। तो पहला रीजन ये भी हो सकता है कि आप लोग सुबह सुबह क्लासिक्स में घुस जाते हो बिना कोई ट्रेनिंग प्रैक्टिस किए। पहले ना आप लोगों को थोड़ी ट्रेनिंग करनी चाहिए, टीडीएम खेलना चाहिए, जिससे आप लोगों की मूवमेंट की थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, उसके बाद आपको क्लासिक में घुसना है। तो भाई अगर आप लोग ट्रेनिंग में प्रैक्टिस नहीं करते हो तो डेफिनेटली आप लोगों की क्लासिक में मूवमेंट स्टक होने ही वाली है यार। और भाई दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि आपका जो टच गार्ड है ना फोन का, वो पुराना हो चुका है या फिर बहुत ही ज़्यादा घिस चुका है। क्योंकि भाई जब बहुत ही ज़्यादा स्क्रैचेस आ जाता है ना टच गार्ड पर, तो हमारा टच गार्ड उतना ज़्यादा सेंसिटिव नहीं रहता है, जिसकी वजह से हमारी मूवमेंट स्टक हो जाती है और उतना ज़्यादा प्रॉपर वर्किंग नहीं करती है। और गाइस थर्ड रीजन ये भी हो सकता है ना कि आप लोगों को गेम प्ले करते समय हाथों में बहुत ही ज़्यादा पसीना आ जाता है, तो ऐसे में ना आपको फिंगर स्लीव्स यूज़ करनी है। और दोस्तों अगर आपके पास फिंगर स्लीव्स नहीं है तो ऐसे में आपको अपने जॉयस्टिक के एरिया को क्लीन करना है, और वहाँ पर आपको थोड़ा सा पाउडर या फिर थोड़ा सा ऑयल डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा सा ऑयल डालना है या फिर थोड़ा सा पाउडर, उसके बाद आपको गेम प्ले करना है, जिसके बाद आपका जो जॉयस्टिक का एरिया है वो प्रॉपर वर्क करेगा और जिसके वजह से आपका जॉयस्टिक स्टक भी नहीं होगा। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल वाला आइकन को ऑल पे कर देना, क्योंकि यहाँ पे मैं ऐसे ही गेमिंग कंटेंट्स लाते रहता हूँ।